लेट हो गए यार आज। सोचा था कि 6 बजे उठेंगे बट टाइम हो गया 7। चलो उठते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, फिर आपसे करेंगे बात आगे। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों उठना था जल्दी आज? आज संडे है, टाइम हो गया जी 7। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज निकल गए हैं गांव के लिए और आज हमारी बैठने की सीट चेंज हो गई है। आज हम अपनी गाड़ी में बैठे पिछली सीट पे और ड्राइव कर रहे हैं जी। आज मम्मी पापा, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ये आज पापा कर रहे हैं ड्राइव, आप कर रहे हम बैठे हैं रिलैक्स सीट पे। आज आज सलून वाली फीलिंग आ रही है। आज पता चल रहा है कि हाँ भी सेडान में पीछे बैठने का मजा क्या है। तो आज आपको डर तो बहुत लग रहा होगा पापा ड्राइव कर रहे हैं तो। नहीं तो आप खुद चलाते हो तो आपको पता नहीं चलता आप कैसे चला रहे हो। आज पापा चला रहे हैं। आज पापा ना थोड़ा कंफर्टेबल स्पीड में ही चला रहे हैं। ये कंफर्टेबल स्पीड है, पापा ऑलरेडी 120 पे पहुंच चुके हैं। ये पापा के लिए अभी नॉर्मल स्पीड है। हाँ ये तो बहुत नॉर्मल है। हाँ 130-140 नॉर्मल स्पीड होती है। पापा तो उड़ाते हुए लेके जाते हैं आपसे भी ज्यादा फास्ट। और मम्मी बहुत रिलैक्स होके बैठे थे। मम्मी को तो कोई नहीं, ठीक है, मम्मी को पता है कि क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। एंजॉय करो, बैठो और नज़ारे लो, क्या टेंशन है। मतलब एक बंदे को तो है टेंशन गाड़ी चलाने की, दूसरे को क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। या तो फिर इससे अच्छा खुद ही चला लो। ड्राइविंग वाले का क्या सीन है ना, जो बंदा खुद ड्राइव करता है वो इधर उधर देख ही नहीं सकता। मतलब उसका ध्यान ना सीधा सीधा स्ट्रेट सड़क पर ही रहता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सेम चीज़ हुई थी जब हम घूमने गए थे और वहाँ पे मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक साइड को पहाड़ और नीचे खाई, और मुझे लग रहा था डर और आपको लग रहा था कि यार इसको डर क्यों लग रहा है, नॉर्मल तो है सब। बट आप बिजी थे ड्राइविंग में और मैं सब देख पा रही थी। वही ना, हम लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए देखते हैं कि मेरे को वो सामने वाली सड़क क्लियर है, साफ है, और आगे और जो मेरे से आगे चल रहा है उसे आगे निकलना है। वो तो है ही है, वो तो ऑब्वियसली बात है। अब अगर हम हाई स्पीड में चल रहे हैं तो या सामने वाले लोग तो भी 60-60 की स्पीड पे भी चलते हैं, उनके पीछे थोड़ी चला जा सकता है। और पता नहीं क्या सोच के निकलते हैं 60 की स्पीड पे घर से कि हम शायद बहुत सेफ। 60 की स्पीड, हम 160 की स्पीड पे चलने वाले। तो 160 तो चलो ज़्यादा होगी, तो रेगुलर स्पीड नहीं है। रेगुलर नॉर्मली हम 120-130 तक चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते। यहाँ तक ठीक है, मतलब सेफ लगती है स्पीड, इससे ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आज हम फुल एंजॉय कर रहे हैं पीछे वाली सीट पे। मतलब ड्राइविंग सीट का अलग मज़ा है बट पीछे वाली सीट का भी मतलब ज़बरदस्त मज़ा है। पता नहीं ये शॉर्ट ट्रिप में मज़ा है या लॉन्ग ट्रिप में भी ऐसा ही। हाँ गाड़ी पुरानी, गाड़ी से याद आया कि गाड़ी भी ऑलमोस्ट 65,000 चल गई है। तो इसका रिव्यू भी जल्दी करेंगे हम लोग कि कैसा रहा अभी तक का ये सब। 5 साल हो गए गाड़ी को और 65,000 क्लॉक हो गई है अभी तक। और ये है हमारी फोर्ड एस्पायर डीजल 1.5 TDCi। तो इसका रिव्यू बहुत जल्दी करूँगा मैं कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस गाड़ी के साथ, तो ये भी जल्दी करेंगे, चैनल पे आएगा। और हाँ रही बात ये खड़कने की और ये आवाज़ें आने की, तो ये हो जाता है ओवर द टाइम क्योंकि हमारे यहाँ पर सड़कें और ये सब बहुत वर्स्ट कंडीशन वाली हैं। और दूसरी बात ये कि ये गाड़ी चली है पहाड़ों में काफ़ी। तो और तीसरी बात ये कि मेरी जो ड्राइविंग स्टाइल है वो थोड़ा अग्रेसिव है, तो उस वजह से। और बाकी बातें उसी वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी इसको यहीं बंद करते हैं। सो लेट्स नॉट मेक इट टेक्निकल, लेट्स नॉट मेक इट टेक्निकल। हाँ गाँव जा रहे हैं, वहाँ पर करेंगे शूट अच्छा सा, क्योंकि अभी हरियाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सरसों मिलेगी आपको देखने को, सब्जियां लगी हुई हैं चारों तरफ, हरा हरा है, साग है,
और ऊपर से गेहूं की बिजाई हो गई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ये मौसम अच्छा होता है गांव में देखने वाली चीज़ें सर्दियों जब स्टार्ट होती हैं तब होती हैं, सर्दियों में होती हैं। सुबह सुबह का वेदर लाजवाब ठंडा प्लस ओस पड़ी होती है और एकदम मस्त होता है सुबह सुबह का मौसम, ज़बरदस्त। बस ये कि सर्दियों में ना खेतों में थोड़ा ज़्यादा ही ठंड लगती है, बाकी ठीक है, पर अलग ही मज़ा है उसका। कभी गए हो ऐसे मतलब सर्दियों में खेतों में, वो भी सुबह सुबह? वैसे मेरे को लग नहीं रहा नहीं जाते कनेक्शन है। नहीं, जर्नली जाते नहीं है सुबह सुबह खेतों में, क्योंकि गेहूं में इतना कुछ होता नहीं करने वाला ज़्यादा। और रही बात पशुओं के लिए जो चारा वगैरह लाना है, तो उसको फिर वेट करते हैं जर्नली लोग दोपहर तक, जब तक धूप निकलती है, थोड़ा ओस वगैरह कम होती है, पानी होता है उसके ऊपर काफ़ी सारा, तो फिर वो ओस कम होती है, उसके बाद उसकी कटाई की जा सकती है। अदरवाइज़ वो गीला होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं करना होता सुबह सुबह। सर्दियों में आई थिंक मोस्ट रिलैक्सिंग मौसम रहता है सर्दियों का ना। एक चीज़ तो अपोलोजाइज करने वाली है यार, पता क्या दीदी जी, जो मैं तेरे को बोल रहा था ना कि हमारा कैमरामैन हिलता है, तो भाई कैमरा सच्ची में हिलता है। गाड़ी में हाथ में पकड़ के शूट करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। हैट्स ऑफ टू हर, वो तो ठीक है, वो चीज़ तो है, मतलब इतना आसान नहीं है, हिलता है कैमरा बहुत ज़्यादा। थकना तो नहीं थकना वो अलग चीज़ है, लेकिन कैमरा तो हिलता है, वो चीज़ तो है। बिंगो। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि पीछे वाली सीट पे बैठ के आपके पास इतना टाइम है ना कि मतलब ऐसे लगता है कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो। या ड्राइविंग सीट पे तो ऐसे लगता है कि यार टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोझ लगने लग जाता है वीडियो शूट करना और ब्लॉग करना, ये इतना ईजी नहीं है, इनकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है, ड्राइविंग करते करते बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन पीछे वाली सीट के ऊपर इनफ टाइम है ना। पीछे वाली सीट पे बैठ के लगता है कि चाहे तुम सारे रास्ते ब्लॉगिंग करते जाओ, बोलते जाओ, बातें करते रहो, कोई इशू नहीं। थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। तो आज हम तीन जगह जा रहे हैं बेसिकली ना, आज हम जाएंगे तीन जगह। पहले जाना भुआ को, फिर जाना मासी को, फिर जाना चाची को, है ना। यस, टाइम हो गया है जी सवेर दे 10, आप ऑलमोस्ट विद इन 5 मिनट्स हरी के पहुँच चलें। नाल ही भूआ का पिंड है, पंजाबी च नहीं हो गया? नहीं कोई नहीं, ठीक है। पिंड के लागे आ के पंजाबी थोड़ी निकलनी शुरू हो जाती हूँ। हाँ, अज की वीडियो डिस्क्लेमर भी रहेगा कि अज पंजाबी ज़्यादा चलूगी, हिंदी घट चलूगी, ये नैचुरली निकलती हूँ, इधर रोक नहीं सकते। ट्राई करूंगी ना, नाले थोड़ा पंजाबी च बोलन दा, बोलन दा, राइट। या मेरी तो पंजाबी नेचुरली निकल आनी ना, पहाड़ी निकले ना। पहाड़ी कट, जब तेरे घर जाने करो। सही है, यहाँ आए तो पंजाबी, हिमाचल गए थे पहाड़ी। तो जी ये हम खड़े हैं हरी के दरिया पर, तो ये हरी के पत्तन बोलते हैं इसको पंजाबी में, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बर्ड सेंचुरी बना रखी है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी स्पेशली, तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बहुत सारे।
और ये कुछ अंदर जाने की जगह है, पुल से थोड़ा सा आपको देखोगे ना अपने लेफ्ट में, तो ये एक जगह बना रखी है इन्होंने अंदर जाने के लिए, देखने के लिए। तो हम पक्षियों के काफ़ी करीब चले जाते हैं ऐसे, तो अंदर चले जाते हैं, अच्छी जगह बनाई हुई देखने के लिए। तो आप देख सकते हो अब जैसे ये यहाँ पे पानी बह रहा है, वो बीच में यहाँ पे ये रेत है और ये पूरे वो बर्ड्स बैठे हुए हैं सामने। ये काइंड ऑफ दलदल ही है। हाँ ये दलदल है, वेटलैंड बोलते हैं इसको, अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे ना। हाँ, तो आप इसको, देखो सारा ये, तो इसको हरी के है। हाँ इसको हरी के वेटलैंड बोलते हैं। तो है ये बर्ड सेंचुरी के उससे फेमस है वैसे, और यहाँ पे देखने में मिल रहे हैं काफ़ी सारे बर्ड्स, वो भी कुछ अलग सी वैरायटी, पता नहीं क्या है वो बैठा हुआ है शायद कैमरा। ये रहा ये, और कुछ तो हमारे लोकल बर्ड्स ही हैं, पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, और बाकी कुछ फ्रेश वाटर की फिशेस भी निकलती हैं यहाँ से। पानी की आवाज़ सुनो, ये इतनी डरावनी है। ओ माय गॉड, चलो जी अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे घर, है ना। खेतों में आए थे सैर करने के लिए, घूमने के लिए, मैं कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, मोटर की आपको दिखाएंगे। ये जी ट्रांसफार्मर अपना लोकल, एक एक ट्यूबवेल के ऊपर एक एक ट्रांसफार्मर अलग अलग लगा रखा है। चलो चलते हैं वापस घर और फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि हमें अभी मासी के पास जाना है, उसके बाद जाएंगे गांव अपने पिंड। चलते हैं वापस, ये है जी गांव के रास्ते कच्चे खेतों में जाने के लिए, और ये देखो चारों तरफ ऐसे हरे हरे भरे खेत। अभी अभी ये गेहूं है, थोड़ी छोटी है, और 15-20 दिन बाद ये पूरा हरा हरा हो जाएगा, चारों तरफ एकदम हरियाली। ये जा रही हमारी मैडम धीरे धीरे कपड़े संभालती हुई। हाँ हो गया पेती से छेती एक।
साग टूट रहा। ये जो चीज़ होती है ना, ये सरों के हैं फूल, अभी निकला नहीं है। साग तोड़ने आए हैं। साग कितने थे? साग पालक है। अच्छा, पालक तोड़ने। हाँ, पालक लेने आया मतलब है। अच्छा, तो यहाँ से हम पालक लेके जाएंगे। ये है जी जामुन का पेड़, और ये आ गए जी अपने सरसों। ये तोरिया है ना, ये तोरिया है, इसको तोरिया बोलते हैं हमारे। सरसों भी छोटी है, जो ये बीच में छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये वाले ये सरसों हैं। तोरिया खा भी लेते हैं ऐसे कच्चा। ये भी जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये है जी पराली झोने की, ये जानवरों के काम आता है और जलाने जलूने के काम आ जाता है कभी। ये है जी गन्ने, ये थोड़े बहुत हमने अपने खाने पीने के लिए लगा रखे हैं। ये सारे गन्ने एंड तक ये गन्ने लगाए हुए हैं, बीच में पॉपुलर है। ये हमने सब्जी लगा रखी है, ये वाला आलू है, ये गोभी, पालक, धनिया, ये गाजर है, ये धनिया है, और वो एंड में जो ये मेरा हाथ पे फोकस आ गया भाई, ये जो है ये लहसुन है, और ये सामने गन्ने हैं, ये इसका फोकस गड़बड़ हो जाता, और ये सामने ये तोरिया है और सरों हैं, सरसों। एक तो ये पंजाबी और हिंदी आज थोड़ी मिक्स हो गई है ना, और ये मूलियाँ तो ऊपर से पत्ते पत्ते तोड़ दिए इनके। तो कैसा लग रहा है फिर आपको मूली खा के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तीखा लग रहा है। नॉर्मल जो मूलियाँ खाते हैं मार्केट वाले उसमें कोई तीखा नहीं होता है, और ये बहुत फ्रेश और यम्मी है। अरे वाह, अभी हम आपको गोंगलू भी ट्राई करेंगे। हाँ, शलगम। हाँ, गोंगलू समझ में नहीं आएगा। आ गया, ये हम हैं। ये हमारा शलगम, ये हमारा शलगम है। अरे पार्टी हो रही है। तो इसको भी कच्चा भी खाया जाता है, ये एकदम फ्रेश ज़मीन से निकाल के धो के ऊपर से इसका छिलका भी उतारना चाहिए, और फिर ये अंदर से निकलता है मीठा मीठा, खाने वाला टेस्टी जूसी। तो ये फ्रेश शलगम अभी हम खाएंगे और खा के आपको टेस्ट भी बताएंगे कि कैसा लग रहा है। अभी खा के टेस्ट करके बताओ कि शलगम कैसा लग रहा है। एकदम फ्रेश अभी निकाला हुआ। कैसा टेस्ट, मीठा है? मस्त है, मीठा, मतलब तीखी मूली खाने के बाद मीठा शलगम ना। अब हम अम्बी शलगम खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त टेस्ट, एकदम मीठा। ये जी ट्राली हमारी, अब खा भी लो।
ये देखो ये मिट्टी वाली पड़ी है, इसमें यही गांव है इसका। ओह वुल्वरीन, ये वुल्वरीन जैसा क्यों लग रहा है? ये है जी तूड़ी, जो गेहूं का वो भूसा निकलता है वो है ये। ये एक तरीका है इसको कवर करके रखने का। ये है वो गोबर के उपले। ये है जी फ्लावर, ये हमने वो लगा रखा सागवान, ये नीम और ये है सागवान। पता नहीं कब तक बड़ा होगा, वैसे तो काफ़ी हो गया। और ये लगा रखे हैं अमरूद, ये हमारे घर की एंट्री पे। इधर से आपको दिखाते हैं गन्ने, ये गन्ने हो गए थोड़े खाने के लिए अपने। ये ट्रांसफार्मर है सिंगल फेस सप्लाई। और ये है जी सरसों। ये हमारे घर की एंट्री मेन। निकल गए हैं वापस घर के लिए, आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।